कांग्रेस सरकार के समय में टीडी अधिकार को खत्म किए जाने को लेकर हो रही बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर से जवाब मांगा है। हमीरपुर में प्रवीण शर्मा ने रामलाल ठाकुर से पूछा कि 2003 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में टीडी अधिकार खत्म किए गए थे, जिस कारण लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिल सकी थी। और अब कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर उस समय वन मंत्री रहे हैं, जिसका हिसाब अब इन चुनावों में जनता को देना होगा। कांग्रेस सरकार के समय टीडी अधिकार को खत्म किए जाने को लेकर हो रही बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर से जवाब मांगा है। हमीरपुर में प्रवीण शर्मा ने रामलाल ठाकुर से पूछा कि 2003 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में टीडी अधिकार खत्म किए गए थे, जिस कारण लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिल सकी थी। और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर उस समय वन मंत्री रहे हैं, जिसका हिसाब अब इन चुनावों में जनता को देना होगा। ऐसा है कि हमने जो भी कहा है, हमने तथ्यों के आधार पर कहा है। 2003 से लेकर के 2007 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मुझे एक तो रामलाल जी ये बताएं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बीजेपी ने कैसे किया था। झूठ बोलते समय वो तथ्यों को भी ध्यान में रखा करें, उनके झूठ अपने तथ्यों से ही उजागर हो जाते हैं। जब 2003 से लेकर के 2007 तक सरकार ही कांग्रेस की थी, तो बीजेपी कैसे करेगी? और इसका प्रदेश का जन जन गवाह है। उस समय की अखबारों में आर्टिकल छपे, उस समय की अखबारों में संपादकीय छपे कि लोगों को शमशान घाट में लोगों की अंतिम क्रिया करने के लिए भी लकड़ी अवेलेबल नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार कानों में तेल डाल करके बैठी रही। और उस समय हमारे जो कैंडिडेट आज के हैं रामलाल जी, वो उस सरकार में मंत्री थे, तो उनको अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जो पाप उन्होंने किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित भी उनको कर लेना चाहिए। वहीं प्रवीण शर्मा ने अनुराग ठाकुर पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर की पारी बहुत लंबी चलेगी और इस बार अनुराग ठाकुर चौका लगाएंगे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति 5 चुनाव हार चुका है और छठा हारने वाला है, 23 मई को पता चलेगा कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बच सकेगी। ऐसा है भी जो व्यक्ति 5 चुनाव हार चुका है, 6वां हारने की कगार पर है, उसके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। 23 तारीख को रिजल्ट में ये साबित हो जाएगा कि रामलाल जी की जमानत बचेगी या नहीं बचेगी। जीतने की तो बात छोड़ दें आप, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश का भविष्य है और हमीरपुर पार्लियामेंट्री का वो भविष्य है। उनकी पारी बहुत लंबी चलने वाली है। इस बार वो चौका लगाएंगे और आगे को छक्का भी लगाएंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।